जी सर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन और नाजरीन, हम प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अनवर जमाल फारूकी। डीएम डिजिटल की हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपने नाजरीन के लिए कोई नया तरीक़ाकार और या नई नई खूबसूरती के साथ कोई प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश करें। तो आज इसी सिलसिले का एक हवाला ये है कि हमने एक छोटा सा मुशायरा तरतीब दिया है और इसमें शोरा हजरात और ख़ातून की तादाद इसलिए हमने कम रखी है ताकि इस मुख्तसर वक्फे में वक्त में हम पूरी तरह इनको सुन पाएँ। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मेरे पहले शायर जो ये ग्लास्को से तशरीफ़ लाए हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि ये बड़ा तवील सफ़र करके आए हैं, जनाब इम्तियाज़ अली गौहर साहब। और इनके साथ बैठे हैं सैयद नबील हैदर साहब, और उसके बाद हैं जनाब नईम शबी साहब, इनको आप अक्सर मुशायरों में देखते हैं। और मेरी उसके बाद जनाब मोहतरमा नगमाना कंवल साहबा हैं, मरूफ शोरा में उनका शुमार है, और आप 10 कुतुब की मुसन्निफ़ा हैं, 10 शेरी मजमे आपके हैं, और तकरीबन इतने ही अवार्ड आपकी खिदमत में लोग पेश कर चुके हैं। लियाकत अली अहद साहब, इनको मैं हमेशा ओहद कहता हूँ, और इनकी ये भी माशाल्लाह दो मजमे कलाम के मालिक हैं। और मैं बिना ताखीर मुशायरे को शुरू करना चाहता हूँ। तो एक शेर में अर्ज़ करूँ कि सीने पे अंगारा रख ले कौन कहाँ कब ऐसा था, सीने पे अंगारा रख ले कौन कहाँ कब ऐसा था, जिसने पहला शेर कहा था वो भी हम जैसा था। मैं बहुत शुक्रिया, मैं गुजारिश करूँगा अपने पहले शायर जनाब इम्तियाज़ अली गौहर साहब से कि हमें हम मुशायरे का आगाज़ आपसे करेंगे, क्योंकि आपका इस्तेहकाक है कि आप 4-5 घंटे की इसके की मुसाफत से आए हैं। इम्तियाज़ अली गौहर साहब। अनवर जमाल फ़ारूक़ी साहब, आपका और डीएम डिजिटल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। आगाज़ एक गज़ल के चंद अशआर से कर रहा हूँ जी। आँख के अशकों से खून हासिल हुआ, आँख के अशकों से खून हासिल हुआ, आँख के अशकों से खून हासिल हुआ, यूँ मुझे सोजे दरूँ हासिल हुआ। क्या बात, वाह वाह वाह, यूँ मुझे, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। मैं जो रखता था परिंदों का ख्याल, माशाल्लाह, मैं जो रखता था परिंदों का ख्याल, मैं जो रखता था परिंदों का ख्याल, रिस्क मुझको भी फजू हासिल हुआ। क्या बात, क्या बात, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। और काबिले गौर शेर है, जिंदगी भर सांस का एक शोर था, जिंदगी भर सांस का एक शोर था, जिंदगी भर सांस का एक शोर था, मौत आते ही सुकून हासिल हुआ। क्या बात है, दोबारा पढ़िए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दोबारा पढ़िए। जिंदगी भर सांस का एक शोर था, मौत आते ही सुकून हासिल हुआ। सरकशीदा कब थी इतनी जिंदगी, सरकशीदा कब थी इतनी जिंदगी, सरकशीदा कब थी इतनी जिंदगी, इश्क से सारा जुनून हासिल हुआ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। सिर्फ अपनी जात का कैदी हूँ मैं, सिर्फ अपनी जात का कैदी हूँ मैं, सिर्फ अपनी जात का कैदी हूँ मैं, कब मुझे उसका फसूं हासिल हुआ। क्या बात, क्या बात,
शायरी गौहर मेरी पहचान है। शायरी गौहर मेरी पहचान है। शायरी गौहर मेरी पहचान है। जिंदगी से कुछ तो यूं हासिल हुआ। क्या बात, बहुत अच्छे, दोबारा पढ़िए। शायरी गौहर मेरी पहचान है। बहुत अच्छे। जिंदगी से कुछ तो यूं हासिल हुआ। बहुत खूबसूरत। आंख के अशकों से खून हासिल हुआ। यूं मुझे सोजे दरूं हासिल हुआ। बहुत अच्छे, बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत बात है आपकी जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे इम्तियाज़ अली गौहर साहब। इनके दो शेर मैं पढ़ता चलूं कि मेरे दुश्मन तू मेरी हार का ऐलान न कर। मेरे दुश्मन तू मेरी हार का ऐलान न कर, मेरे कंधों पर अभी तक मेरा सर बाकी है। मेरे कंधों पर अभी तक मेरा सर बाकी है, और धूप से इसलिए डर लगता नहीं है गौहर। धूप से इसलिए डर लगता नहीं है गौहर, मेरे आंगन में अभी एक शजर बाकी है। बहुत खूबसूरत शेर है जी आपके, और आपकी किताब भी मेरे पास है। तो अंदर दाओ हाल की जानन गलियों लंगड़ वाले, अंदर दाओ हाल की जानन गलियों लंगड़ वाले, छता विजे हों तरेणा बगदे नहीं परनाले। मेरे दूसरे मेहमान हैं, ये पंजाबी जबान में शायरी करते हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, और कमाल शेर कहते हैं, वो शेर जो वाकई दिल में उतर जाता है। जनाब नबील हैदर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। शहरों शहर उजाड़े पै गए। शहरों शहर उजाड़े पै गए। शहरों शहर उजाड़े पै गए, विच दिलां दे पाड़े पै गए। क्या बात, शहरों शहर उजाड़े पै गए, विच दिलां दे पाड़े पै गए। सायादार दरख्ता नूं अज लैके लोग कुआड़े पै गए। क्या बात है, दोबारा पढ़े। वाह वाह, सायादार दरख्ता नूं अज लैके लोग कुआड़े पै गए। पहलों भुख स्यापे है सन, पहले भुख स्यापे है सन, पहलों भुख स्यापे है सन, उत्तों इश्क पुआड़े पै गए। वाह वाह, पहलों भुख स्यापे है सन, उत्तों इश्क पुआड़े पै गए। ते साडा लहूते सोचा पीता, साडा लहूते सोचा पीता, साडा लहूते सोचा पीता, तुसी क्यों एडे माड़े पै गए। क्या बात है, क्या बात है, दोबारा पढ़ी जी, दोबारा पढ़ी। साडा लहूते सोचा पीता, तुसी क्यों एडे माड़े पै गए। ते तू की हस के मिलियो सानू, सारे जग नू साड़े पै गए। और अर्ज किया के खुल्क तेरे दे सदके साडे, वाह वाह चार दयाड़े पै गए। खुल्क तेरे दे सदके साडे, वाह वाह चार दयाड़े पै गए। ते भुखा वेख मजारे ताई, भुखा देख मजारे ताई, भुखा वेख मजारे ताई, हैरत विच खलवाड़े पै गए। इश्क तुसा नबील की करना, इश्क तुसा नबील की करना, छड़ो केड़े खाड़े पै गए। दोबारा ये जरा आता हो, दोबारा। शहरों शहर उजाड़े पै गए, विच दिलां दे पाड़े पै गए। ते साडा लोग ते सोचा पीता, तुसी क्यों एडे माड़े पै गए। बहुत खूबसूरत कलाम है नबील साहब। अभी चूंकि इसका दूसरा भी एक राउंड है हमारे पास, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आप आए और आपने अपने पंजाबी कलाम से हमें नवाजा। ये जो हम लफ्ज़ों से हरफ़ो बयां बनाते हैं, ये जो हम लफ्ज़ों से हरफ़ो बयां बनाते हैं, हवाए गम के लिए खिड़कियां बनाते हैं, हवाए गम के लिए खिड़कियां बनाते हैं। और हवाए गम की जो एक ताज़ा हवा के झोंके की जैसे कि हम सबको ज़रूरत हमेशा रहती है, तो उसके लिए मैंने नईम शबी साहब को यहाँ बुलाया है। मैं इनके साथ कई मुशायरों में मैं शरीक हुआ हूँ। मैं मुझे आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि नज़म बहुत अच्छी कहते हैं कि गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं। तो सामीन, इसका फैसला, नाज़रीन इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, और ये देखिए कि ये क्या आज आपके लिए लेके आए हैं नईम शबी साहब। तमाम नाज़रीन और सामीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और डीएम का कि आपने मुझे यहाँ पे, सर शुक्रिया आपका कि आप लोग इतनी मुसाफत में थे मौसम में पार्क जाने के बजाय यहाँ हमारे साथ हैं। दूसरी बात ये है कि ना मैं नज़म अच्छी कहता हूँ और ना गज़ल अच्छी कहता हूँ। बहरहाल वो आप दो तीन गज़लें हैं, सुना है शायरों में, एक तीन मिसरे पहले सुन लीजिए आप, आता हूँ उसके बाद फिर एक गज़ल जी। उम्र ढल गई, उम्र ढल गई पर खबर ना हुई, उम्र ढल गई पर खबर ना, वाह वाह, उम्र ढल गई पर खबर ना हुई,
जिंदगी सुकून से बसर ना हुई। क्या बात, क्या बात। उम्र ढल गई पर खबर ना हुई, जिंदगी सुकून से बसर ना हुई। उसकी याद से दिल हुए हैं खाली, इसलिए दुआ पर असर ना हुई। क्या बात, वाह वाह, दोबारा आओ जी, दोबारा। उसकी याद से उम्र ढल गई पर खबर ना हुई, जिंदगी सुकून से बसर ना हुई। उसकी याद से दिल हुए हैं खाली, इसलिए दुआ पर असर ना हुई। अपनी सोच में रहता है ये शबी, आखिरत की इसको फिक्र ना। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। एक गजल के चंद अशआर। बदगुमा सा साया हमारा है, बदगुमा सा साया हमारा है, बदगुमा सा साया हमारा है, यूं तो मेहरबान जहां सारा है। क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह। बदगुमा सा साया हमारा है, यूं तो मेहरबान जहां सारा है। मुस्कुराओ ये दिल तुम्हारा है, मुस्कुराओ ये दिल तुम्हारा है, आंसुओं पर तो हक हमारा है। क्या बात, क्या बात। मुस्कुराओ ये दिल तुम्हारा है, आंसुओं पे तो हक हमारा है। तख्ते दार तक आ गए हम, तख्ते दार तक आ गए हम, बेगुनाही तेरा सहारा। क्या बात, वाह वाह, दोबारा। तख्ते दार तक आ गए हम, बेगुनाही तेरा सहारा। क्या बात, क्या बात। गुलिस्ता की उन्हें फिक्र नहीं, गुलिस्ता की उन्हें, गुलिस्ता की उन्हें फिक्र नहीं। क्या बात, कहते हैं ये चमन हमारा है। क्या बात, क्या बात, कहते हैं ये चमन हमारा है। गुलिस्ता की उन्हें फिक्र नहीं, कहते हैं ये चमन हमारा है। जिंदगी को समझ लिया शबी, जिंदगी को समझ लिया शबी, जिंदगी को समझ लिया शबी, जिंदगी कितनी बेसहारा। क्या बात, क्या बात, जिंदगी को समझ लिया शबी, जिंदगी कितनी बेसहारा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी जो जो मैंने आपके बारे में कहा था वो आपने लाज रखी, और माशाल्लाह नहीं, आपका कलाम आपका बड़ा खूबसूरत होता है। और ये कि असल में वहाँ लफ्ज़ों की हुरमत को कभी दीमक नहीं खाती, वहाँ लफ्ज़ों की हुरमत को कभी दीमक नहीं खाती। जहाँ दुनिया को जज्बे की सदाकत याद रहती है, जहाँ दुनिया को जज्बों की सदाकत याद रहती है। नाज़रीन ने मोहतरम, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लफ्ज़ों की सौदागरी मेरा पेशा है, एक अरसे से मैं हूँ, लेकिन मैं जिन खातून शायरों को अब दावत सुखन देना चाह रहा हूँ उनके लिए यकीन मेरे पास अल्फाज नहीं है, उनके तारुफ के लिए अल्फाज नहीं है। इब्तिदा में मैंने बस एक छोटा सा हवाला आपको दिया कि आप 10 शेरी मजमू की शायरा हैं और ख़ूबसूरत कलाम पढ़ती हैं, ख़ूबसूरत कलाम कहती हैं, और बहुत सारे अवार्ड्स। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जैसे ही इनके पास वक्त होगा तो गुफ्तगू में मैं इन्हें बाकायदा इंटरव्यू के लिए बुलाऊँगा। मतलब कई मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ ये दस्तयाब ना हो पाई मुझे, लेकिन इंशाल्लाह आज ये मुझसे वादा कर रही हैं और उस पर ये कायम भी रहेंगी। तो मैं ज़हमत सुखन दे रहा हूँ मोहतरमा नगमाना कमल साहबा को, अताओ। बड़ी नवाजिश है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे अल्फाज में मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, आपने जो मेरा तारुफ करवाया है। तो मैं एक मंजूम हम्द पढ़ना चाहूँगी पहले, तो उसके बाद फिर दूसरे राउंड का भी जो गज़ल होगी वो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो साथ ही पढ़ना चाहूँगी। महफिल आपके लिए ही है, जैसे आप मुनासिब गर्दानी। ये जी एक मंजूम हम्द है जिसका उन्वान है फनाफिल्ला। माशाल्लाह। अर्ज करती हूँ कि अचानक बात एक सुनकर, अचानक बात एक सुनकर, अचानक बात एक सुनकर दो आंसू ही तो टपके थे। वाह। किसी एक पल की दस्तक से मेरे हलकूम में आकर, वाह वाह, फकत दो हर्फ हटके थे। क्या बात, क्या बात। किसी एक पल की दस्तक से मेरे हलकूम में आकर फकत दो हर्फ हटके थे। मेरे मौला ये सब क्या है, मेरे मौला ये सब क्या है, जो पहले था अजब वो था तो अब क्या है। क्या बात, दोबारा दोबारा पढ़ो। मेरे मौला ये सब क्या है, जो पहले था अजब वो था तो अब क्या है। क्या बात। खुदी के एक लम्हे में खुद अपने आप का मादूम हो जाना, खुदी के एक लम्हे में खुद अपने आप का मादूम हो जाना, खुदी के एक लम्हे में खुद अपने आप का मादूम हो जाना,
नए मौलूद के जैसा बहुत मासूम हो जाना। क्या बात है, नए मौलूद, क्या तशबीह, नए मौलूद के जैसा बहुत मासूम हो जाना, खुद अपनी हर तमन्ना से हमेशा के लिए महरूम हो जाना। क्या बात, खुद अपनी हर तमन्ना से हमेशा के लिए महरूम हो जाना। मेरे मौला ये सब क्या है, जो पहले था अजब वो था तो अब क्या है। क्या बात, और मेरे अंदर से बातन का अगर ये जंग उधड़ा है, मेरे अंदर से बातन का अगर ये जंग उतरा है, अजब क्या है। खुदी में बेखुदी कैसी, गौरतलब है कि खुदी में बेखुदी कैसी, करम में ये गजब क्या है। क्या बात, सुभान अल्लाह, खुदी में बेखुदी कैसी, करम में ये गजब क्या है। मेरे मौला ये सब क्या है, मेरे मौला ये सब क्या है। अचानक बात सुनकर दुआंसू ही तो टपके थे, क्या बात, किसी एक पल की दस्तक से मेरे हलकूम में आकर फकत दो हर पट। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो अब जो गजल का आपने वादा किया, अब एक गजल पेशे खिदमत है जी, आता हूं जी। एक तो किताबें समल अर्ज करती हूं कि हजारों जख्म ऐसे हैं जो दिखलाए नहीं हैं, हजारों जख्म ऐसे हैं जो दिखलाए नहीं हैं, हमारे दर्द से वाकिफ ये हमसाए नहीं हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजारों जख्म ऐसे हैं जो दिखलाए नहीं हैं, हमारे दर्द से वाकिफ ये हमसाए नहीं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और शेर गौरतलब है कि खुद अपने शहर के सावन पराए कर दिए हैं, खुद अपने शहर के सावन पराए कर दिए, क्या बात, खुद अपने शहर के सावन पराए कर दिए हैं, पराए देश के सावन भी रास आए नहीं। क्या बात, क्या बात, पराए देश के सावन भी रास आए नहीं हैं, और हलाली सब्ज परचम का तस्वर जहन में है। वाह वाह, हलाली सब्ज परचम का तस्वर जहन में है, सुनहरे बादलों के ये नगर भाए नहीं है। क्या बात, क्या, सुनहरे बादलों के ये नगर भाए नहीं है। और अर्ज करती हूँ कि जो अपने शहर की गलियों को तन्हा छोड़ाए, जो अपने शहर की गलियों को तन्हा छोड़ाए, जो अपने शहर की गलियों को तन्हा छोड़ाए, अब उनके साथ भी वो मेहरबान साए नहीं है। क्या बात, क्या बात, जो अपने शहर की गलियों को तन्हा छोड़ाए, अब उनके साथ भी वो मेहरबान साए नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अर्ज करती हूँ कि हमेशा हमको अपनों दिए सदमों पे सदमे, हमेशा हमको अपनों ने दिए सदमों पे सदमे, कभी अग्यार के हाथों तो गम पाए नहीं। क्या बात, क्या बात, कभी अग्यार के हाथों तो गम पाए नहीं हैं, हमेशा हमको अपनों ने दिए सदमों पे सदमे, कभी अग्यार के हाथों तो गम पाए नहीं हैं, और अनोखा था तुम्हारे प्यार का अमृत कुछ ऐसा, अनोखा था तुम्हारे प्यार, अनोखा था तुम्हारे प्यार का अमृत कुछ ऐसा, तुम्हारी याद के सूरज भी गहनाए नहीं है। क्या बात, क्या बात, अनोखा था तुम्हारे प्यार का अमृत कुछ ऐसा, तुम्हारी याद के सूरज भी गहनाए नहीं है। और मख्तार्स करती हूँ, शेर गौरतलब है कि वतन को छोड़ने वाले सदा लगते हैं नादिम, वतन को छोड़ने वाले सदा लगते हैं नादिम, वतन को तोड़ने वाले तो शर्माए नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वतन को छोड़ने वाले सदा लगते हैं नादिम, वतन को तोड़ने वाले तो शर्माए नहीं हैं, कि हजारों जख्म ऐसे हैं जो दिखलाए नहीं हैं, हमारे दर्द से वाकिफ ये हमसाए नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि जी आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। लियाकत भाई, आप आज मुशायरे में ताखिर से आए थे, तो हम आपको थोड़ी सी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, एक कमर्शियल ब्रेक है हमारे लिए, तो मिलते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नाज़रीन डी एम डिजिटल पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू, और आज गुफ्तगू में हमने एक छोटे से मिनी मुशायरे का अहतमाम किया है। और पहले हिस्से में आप हमारे तमाम शोरा को और शायर खातून को सुन चुके हैं, और यकीनन इस अदबी महफिल से, इस मजलिस से आप मुस्तफीज हुए होंगे। एक हमारे साहब पहले राउंड में रह गए थे, मेरे बड़े दोस्त भी हैं और खूबसूरत शेर कहते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो मीर ने कहा था कि सख्त काफिर था जिनने पहले मीर, सख्त काफिर था जिनने पहले मीर मज़हब इश्क इख्तियार किया, मज़हब इश्क इख्तियार किया। तो असल में एक अच्छा शेर अकली बसीरत और रूहानी यकीन का मिन्नत पजीर होता है। हम इसके असल में दूसरे मानों में चलिए या मीर से बात कर लेंगे। तो मैं कह रहा था कि एक अच्छा शेर जो है वो अकली बसीरत और रूहानी यकीन का मिन्नत पजीर होता है। और ये लियाकत आहद साहब जो हैं वो अहद मैं ओहद और अहद के दरमियान घपला कर जाता हूँ, तो इनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये हमें क्या सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं इस महफिल का हिस्सा हूँ। एक गज़ल आपके लिए लाया हूँ, अर्ज किया है। मेरे नसीब की तहरीर लाने वाला था, मेरे नसीब की तहरीर लाने, मेरे नसीब की तहरीर लाने वाला था, वो मेरे ख्वाब की ताबीर लाने वाला था। क्या बात, वो मेरे ख्वाब की ताबीर लाने वाला था, मेरे नसीब की तहरीर लाने वाला था, वाह वाह, वो मेरे ख्वाब की ताबीर लाने वाला। क्या बात, क्या बात, तवज्जो चाहूंगा। पराए बैंक में रख कर वो उसको भूल गया। क्या बात, पराए बैंक में, पराए बैंक में रख कर वो उसको भूल गया जी। वो मेरी कौम की तकदीर लाने वाला। क्या बात, क्या बात, क्या बात, पराए बैंक में रख कर वो उसको भूल गया। वाह वाह, वो मेरी कौम की तकदीर लाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूम देख रहा था बड़ी ही हैरत से, हुजूम देख रहा था, हुजूम देख रहा था बड़ी ही हैरत से, वो आईना नई तस्वीर लाने वाला। क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, दोबारा आता हो। हुजूम देख रहा था बड़ी ही हैरत से, वो आईना नई तस्वीर लाने वाला था। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा जी। वो मेरी ढाल भी दुश्मन के हाथ बेचाया। वाह वाह वाह, वो मेरी ढाल भी दुश्मन के हाथ बेचाया, जो मेरे वास्ते शमशीर लाने वाला। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, वो मेरी ढाल भी दुश्मन के हाथ बेचाया। क्या बात, जो मेरे वास्ते शमशीर लाने वाला था। वो किसे खबर थी कि इंसाफ बेच खाएगा। वाह वाह, किसे खबर थी कि इंसाफ बेच खाएगा। क्या बात, जो शख्स अदल की जंजीर लाने वाला था। वाह वाह, किसे खबर थी कि इंसाफ बेच खाएगा। क्या बात, यो शख्स अदल की जंजीर लाने वाला। क्या था, बात, क्या बात, जो चाहूंगा बताओ। ये क्या के निशाने पे आके बैठ गया। ये क्या के निशाने पे आके बैठ गया। निशाने पे आके बैठ गया। वाह वाह, ये क्या कि खुद ही निशाने पे आके बैठ गया, जो इस कमा के लिए तीर लाने वाला। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, ये क्या कि खुद ही निशाने पे आके बैठ गया, जो इस कमा के लिए तीर लाने वाला था। और मक्ता पेश खिदमत है। वतन से दूर जो इस अहद का मुकद्दर था। वाह, वतन से दूर जो इस अहद का मुकद्दर था, वो उस अजाब की तफसीर लाने वाला। क्या था, वाह सुभान अल्लाह। वतन से दूर जो इस अहद का मुकद्दर था, सुभान अल्लाह, वो उस अजाब की तफसीर लाने वाला था। वाह, मेरे नसीब की तहरीर लाने वाला, सुभान अल्लाह, वो मेरे ख्वाब की ताबीर लाने वाला, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, जो हमें ऑस्ट्रिया